ये है हमारे पाजी शाहिद मालिया साहब, जिनके साथ मेरा सौभाग्य रहा है, बहुत अच्छा काम किया हमने साथ में। जो नोटेड नोटवर्दी काम हमने किया वो एक कुड़ी उड़ता पंजाब से, फिर दरिया मन मर्जिया जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और हम फिर से एक बार और कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस बार विद द डिफरेंस, इस बार कोई फिल्म नहीं, इस बार एटी आज़ाद के लिए आपने हमें ग्रेस किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, और अमित सर के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है, 2011 से जब लव शव द चिकन खुराना, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना मुझे दिया था, एंड आई एम वेरी लक्की कि इनके साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने इस काबिल समझा, और आज तक वो एक कड़ी चल रही है, उड़ता पंजाब, फिर मन मर्जियाँ, और अभी एटी आज़ाद में ये पहला गाना होगा शाहिद भाई के साथ जी, जिसका नाम है रुसवाइया, जो हम 20 तारीख को रिलीज कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना कौशल मुन्नी ने लिखा है, और एक और अमेजिंग टैलेंट सिंगर है हमारे साथ है, जिनका नाम है शिल्पा राव, क्या खूबसूरत भाई, मेरी तो फेवरेट सिंगर है माशाल्लाह। और सर का जो सोचने का है गाने सिंगर्स को लेकर, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और कमाल होता है, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट इसी चीज़ के लिए सर को मिलते हैं कि वो आवाज़ को किस तरीके से कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। और शिल्पा राव मेरी मतलब मोस्ट ऑफ वन ऑफ फेवरेट सिंगर हैं, और उनके साथ सर ने मुझे एक खूबसूरत गाना रुसवाइयाँ जो भी गवाया, मतलब खुद इतना अच्छा गाते हैं, मैं तो जब इनके गाने गाता हूँ तो मुझे कम वक्त में सीखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरा सुलझा के गाना एकदम पेश किया होता सामने, तो वो कॉपी पेस्ट ही करना होता मुझे। नहीं नहीं आप ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही कमाल के सिंगर है, मैं जो गाता हूँ आप उसको 10 या 20 नॉचेस ऊपर ले जाते हैं, बहुत आगे ले जाते हैं, और वो बहुत ही कम सिंगर्स में काबिलियत होती है, तो उसके लिए सर मैं तारीफ नहीं सुनना चाह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पहले से पता होता है कि ये गाना वहाँ जाएगा ऐसा, तो इसीलिए आप उस चीज़ को वैसा बनाते हो। हाँ वैसे हाँ, तो वो आपके हर गाने में वो एक चीज़ दिखती है कि आपने ऑलरेडी उतनी मेहनत कर ली है कि सामने वाले को इतनी सी करनी पड़े। अरे इतनी सी कहाँ सर, आपके क्या टैलेंट ही वैसा है आपका, आपकी इतनी सी मेहनत में एक थर्ड डे हो जाता है काम में इंशाल्लाह सर। और ये रुसवाइयाँ हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि मेरा पहला गाना शाहिद मालिया साहब के साथ है, और शिल्पा राव के साथ, शिल्पा राव के साथ दूसरा गाना है एटी आज़ाद में। ओके शिल्पा राव के साथ मैंने इसके पहले ओरे रावण करके गाना किया था, सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस, ये एक लड़ी चल रही है सर, एक पहले सॉन्ग्स ऑफ फेथ से शुरू किया मैंने, सॉन्ग्स ऑफ फेथ में 5 गाने थे जो बॉर्डर लाइन डिवोशनल थे, फिर सॉन्ग्स ऑफ डांस हुआ यहाँ पे सब क्लब सॉन्ग्स थे, फिर सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस आया था, लॉकडाउन जैसे खत्म हो रहा था तो मैं सॉन्ग्स ऑफ लव के मूड में था, लव में ऑफकोर्स हर तरह के शेड होते, तो पहला शेड जो आया मधुबाला वो दैट वाज द शेड ऑफ लव, being the feeling of the emotion of falling in love, aur ye ek separation wala gana hai, another side of love which is a little slightly sadder, not slightly like sad and painful side of love. mujhe aisa lagta hai ki ye lockdown ke andar jo cheeze hui shayad uski wajah se log aapas se alag ho gaye, to raswaiyan create lockdown ki wajah se bahut lockdown ho gaye to hum bhi down phase mein chal rahe the, tab ja ke ye gana bana, और मैंने जब ये धुन बनाई कौशल मुनीर भी उसी मूड में चल रही थी, हम लोग दोनों भी फ़ोन पे बात करते रहते थे मैं और कौशल, क्योंकि कौशल में बहुत हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड है, हमारी काफ़ी अच्छे दोस्त है, तो हम लोग सुख दुख की बातें करते रहते थे, तो और उस वक्त पे हम लोग बहुत करते थे, अमिताभ, मैं, कौशल, शिल्पा जी, ऐसे हम लोग कॉन कॉल पर बात करते थे कि यार डाउन फील, जैसे डाउन फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, जूम कॉल पर आते थे, और फिर कौशल हमने इसे किया करते करते उन्होंने कहा चल कुछ करते हैं यार, एक गाना बनाते हैं इस माहौल इस मूड के को मद्देनजर रखते हुए कुछ एक बनाते हैं, तो ये गाना बन गया, बनते बनते रुसवाइयाँ, हार्ट ब्रेक, पेनफुल सारा माहौल आया इस पास पर, चूँकि शायद भाई हमारे लाइफ में कितने रस है, कितने अलग अलग इमोशंस हैं, कितने मूड्स हैं, जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी इमोशन से कनेक्ट करते गुजरते ही,
कभी हंसते हैं तो कभी रोते भी हैं, तो उधर पार्ट एंड पार्सल, वही तो मज़ा है। तो इसलिए मैंने ये जो सीरीज शुरू किया है मैंने सॉन्ग्स ऑफ का, क्योंकि ये सारे इमोशन हम लोग कहीं ना कहीं जी रहे होते हैं रोज़मर्रा की जिंदगी में, हम लोग जी रहे होते हैं। और मेरा खुद का पर्सनली मैं खुद भी गुजरते रहता हूँ ऐसे रोलर कोस्टर से हर दिन, कुछ ना कुछ, कभी अच्छा होता है कभी बहुत बुरा होता है कभी बहुत वाहियात दिन भी आते हैं। हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर, तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया, तो उसी से निकला ये रसवाइयाँ, वहीं से निकला ये। और ये गाने का पूरा सार, पूरा मूड ये था कि इसमें हार्ट ब्रेक और पेन वाली फीलिंग, पेन वाली और विरह वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे लगता है कि जब ऑडियंस भी सुनेगी वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगी, बिकॉज हम सब इस पेनफुल दौर से गुजरते ही कभी ना कभी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे फाइनेंसेस को लेके हो, कोई भी चीज़ को लेके हो, वो एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। तो ये गाना भी उस क्या बोलते उस पेन को अच्छे से झंझोड़ता है, मतलब पीपल विल फील द पेन दैट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे। और यही मेरा विजुलाइज भी मैं यही कर रहा था जब मैं गाना कंपोज कर रहा था, बना रहा था, और जब कौशर जी ने लिखा एक धुन थी जिसमें पेन है, जिसमें हार्ट ब्रेक है, जिसमें एक विरह रस का फीलिंग है, जिसमें एक ठहराव है, एक सैडनेस का फीलिंग है, वो धुन थी ला 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 ला, तो कहीं ना कहीं धुन में थी, बट उसको कंप्लीट किया, वो एक 50% फीलिंग दे रहा था मुझे, जस्ट हाफ दे रहा था मैं, उसको कंप्लीट किया कौशर जी ने, जब उसमें प्रॉपर वैसे वर्ड्स आए तो एक प्रॉपर विजुअल दिखने लगा ऑफ पेन एंड हार्ट ब्रेक एंड एग्रेशन, ये सब चीज़ें आने लगी। और आप लोगों ने इतने, और आपके वॉइस में तो जैसे आप गाते हो, तो मैंने आपको हमेशा कहा है माइक पे जब भी आप गाते हो, देयर इज़ एन इनहेरेंट स्ट्रांग पेन, एक फील है जो आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आ जाए। एग्जैक्टली सर, मैंने भी गाते हुए वही चीज़ें फील करी जो आपने बताई हैं। आपने जब ये सॉन्ग बनाया तो आपको वही सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो दुनिया में हो रहा है वो सब दिखे, और आपने उसको पोर्ट्रे किया। और हम भी जब आपके इन शब्दों को देखते हैं जैसे कौशर जी ने लिखा और आपने वो ट्यून बनाई, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से भी कहीं ना कहीं जुड़े होती हैं वो चीज़ें, तो हम रिलेट कर पाते हैं, हम लोग इजीली रिलेट कर पाते हैं। और क्योंकि हम भी एक ऑडियंस ही हैं इन अ वे, इसलिए हम इफ वी आर रिलेटिंग विद इट, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ऑडियंस भी सुन रही है, उनको भी वही फीलिंग आएगी जरूर। Yeah. कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, जो दिमाग से निकलती है वो दिमाग तक ही पहुंचती है। तो आपकी बातें हमेशा दिल वाली बातें होती हैं। तो है रियल आर्टिस्ट का एक कि वो जो मन में है वो धुन में आ जाए, जो दिल में है वो पेज पे आ जाए, टेक्स्ट में आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उसको एक कलर दे दिया, कमाल का कलर। और वो तो मेरा काम तो बहुत छोटा होता है, एक धुन दे देना होता है, बाकी जब असली जो उसमें कलर आप लोग पिरोते हो, कौशल मुनीर ने पिरो, इतना खूबसूरत शब्दों से इसको सजाया है, फिर आप आए, फिर शिल्पा आए, बस तो मतलब एक के बाद एक चार चांद लगते गए। शिल्पा इज अ ब्यूटीफुल, एक तो उसका ऊपर से जो वॉइस टेक्सचर लेकर आई है तो मतलब गिफ्ट है, मतलब गॉड ने लाइक इसे जा बेटा तुझे मतलब बेस्ट टेक्सचर्स एवर, क्या खूबसूरत गला है, क्या खूबसूरत ऊपर से खूबसूरत सिंगर है, और एट द सेम टाइम डेप्थ है उनकी गायकी में, एक स्ट्रेंथ है, मतलब सुनने वालों को इमीडिएटली पेनिट्रेट करता है इन योर हार्ट एंड ब्रेन माइंड, इट जस्ट पेनिट्रेट्स। तो वो खूब, और उतना खूबसूरती से एंट्री करती है, और वो जो फर्स्ट पार्ट लेती गाती है, एंड देन जो आपका पार्ट आता बूम, मेरा वो फेवरेट पार्ट है। बेशक टीम वर्क है ये, लेकिन आप इस टीम के पायलट हो, अरे हम सब शिप आपके हाथ में, हम सब इक्वल है सर, और आपको सब पता है कि कौन सा चीज कहां से क्या मुझे लेना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो यू आर द ऑलवेज बॉस। नहीं सर, मेरा हमेशा से ये मानना है, चाहे वो पूरी फिल्म हो, चाहे कोई एक गाना हो, सक्सेस और फेलियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की है। एग्जैक्टली होता है, गाना अगर सक्सेस है तो पूरा टीम की जवाबदारी, बिकॉज उसमें सब ने उतना ही योगदान दिया है, सबने उतना ही दिया है, कोई एक इनिशिएट करने वाला चाहिए, वो मैं हूँ, मैं भी, बिकॉज मैंने वहाँ से एक इनिशिएट किया,
पर लोग आते हैं, जुड़ते हैं और कारवा बनता है, और उसके जब सक्सेस होता है तो सबका श्रेय उसको जाता है। तो इट्स अ टीम, ऑलवेज ऑलवेज टीम एफर्ट। कोई भी फिल्म भी जब हिट होती है तो किसी का एक आदमी की वजह से कभी नहीं होती है, इट्स ऑलवेज द टीम। मुझे पता आता है, मैं मेरे को पता नहीं ऐसा चलने में ना थोड़ा बोर लगता है, थोड़ा मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ अपने आप से, थोड़ा इधर उधर उधर ऐसा किया, थोड़ा एक्साइटमेंट आता है लाइफ में, इसलिए मैं वो खेलते रहता हूँ किसी साउंड के साथ, गानों के साथ, सिंगर्स के साथ। और सिंगर्स का जिसका जोन होता नहीं उसको पहले फ़ोन करता हूँ, ये गाना है जो तुम्हारे जोन का नहीं है, आ जाओ। ये बहुत स्पेशल थिंग है। शायद भाई की जो वन लाइनर आते हैं ना, मतलब इट्स टू डाई फॉर, जो जोक्स क्रैक करते हैं बीच बीच में, सडनली ऐसा पोकर स्ट्रेट फेस रखे हो, कुछ ऐसा खतरनाक जोक बोल देंगे, इट टेक्स 10 seconds टू रजिस्टर। अच्छा क्या बोला उन्होंने, ओ इट वॉज अ पीजे, इट वॉज वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी बैड जोक, बट स्टिल वी लाफ आउट लाउड। कुछ दिन पहले मैंने उनको ब्लाइंड कॉल किया, ऐसे किसी नंबर से मैंने उनको बोला कि सर मैं शाहिद बोल रहा हूँ और 3:30 बजे पहुँच जाऊँगा स्टूडियो, तो ये कन्फ्यूज़ कि कल मतलब आपने मतलब किसी ने फ़ोन किया था रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने फ़ोन किया, मैं ये तो बोल रहा हूँ सर आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो, एक साल हो गया एक डबिंग के लिए फ़ोन नहीं आपकी तरफ से। तो इन्होंने फिर इस चीज़ को दिमाग में रखा और एक महीने बाद फिर हम मिले। तो मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ जब इनका फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं आता है तो आई डू। मतलब जैसे एक पेंटर कैनवस पे पिक्चर बनाता है, इनका संगीत हवाओं में और इनमें कुछ पिक्चर क्रिएट करता है। क्या बात है सर, क्या बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छी तरह से आप। तो ये इमेजिनेशन है जो आमद होती है ऊपर वाले की, और इनके अंदर वो चीज़ है। बहुत बड़े बड़े कलाकार जिनके साथ मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ उनको, जो खान साहब हैं, उस्ताद हैं, जब इनका काम वो सुनते हैं तो वो कुछ अलग ही आशीर्वाद देते हैं इनको, बहुत ही इनकी तारीफें होती हैं, और ये इस काबिल हैं और इस लायक हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ जुड़ा मैं 2012 से, और आज तक मुझे इनकी सेवा का मौका मिल रहा है, इनके थ्रू आप सब ऑडियंस का सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिग शाउट आउट फॉर एटी आज़ाद टीम, अमित त्रिवेदी सर और उनकी पूरी म्यूजिक टीम को, एंड ऑल्सो बिग शाउट आउट टू कौसर मुनीर एंड शिल्पा राव जो आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट कहीं ना कहीं बिजी हैं वो, कुछ काम बिजी है, बट वी आर मिसिंग यू हियर, एंड बट योर प्रेजेंस इज हियर विद अस विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट यू गाइस हैव रिटन एंड संग, सो थैंक यू सो मच।